नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल SB मेडिसिन में। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी अफीम की फसल में बायो न्यूट्रिएंट ग्रेन्यूल्स क्यों जरूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अफीम की फसल में इरीगेशन से पहले यूरिया या कैल्शियम नाइट्रेट, जो कि कैल रिच एनर्जी के नाम से भी आपको मार्केट में मिलेगा, के साथ बायोसोयल न्यूट्रिएंट एवं मेट्रो प्लस 85 का उपयोग क्यों करना है। तो आज हम बात करेंगे इनका उपयोग क्यों आवश्यक है, क्योंकि बायोसोयल न्यूट्रिएंट एवं मेट्रो प्लस 85 में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर, बोरोन आदि जैसे बहुत से लाभदायक पोषक तत्व होते हैं, जिनको यूरिया या कैल्शियम नाइट्रेट, जो कि कैल रिच एनर्जी के नाम से भी आपको मार्केट में मिली जाएगा, मैंने बताया था, के साथ देने से पौधे की रेगुलर ग्रोथ होती है एवं पौधा प्राकृतिक रूप से मजबूत एवं हेल्थी रहता है, जिससे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है एवं अफीम की उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इनके उपयोग से आपको फसल में कई इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि पौधे के आकार में वृद्धि होना, पौधे का आकर्षित रंग होना एवं जड़ों में शक्ति आना आदि। यदि एक शब्द में कहें तो ये न्यूट्रिएंट पौधे को शक्तिशाली एवं टॉलरेंट रेसिस्टेंट से बचाता है, या फिर कहें कि हानिकारक प्रभाव से बचाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपकी अफीम में होने वाली डाउनी मिल्डो के बारे में।